एवरीवन, इट्स पीकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे आशिकी 2 लव थीम मेलोडी। तो ये सॉन्ग जो है मैं फिंगर नेल्स के साथ प्ले करने वाली हूँ, आप जो है पिक से भी कर सकते हो। तो मैं कोई भी रैंडम फिंगर्स के साथ कोई भी रैंडम स्ट्रिंग प्ले करती हूँ, बट अगर आप एक्चुअल रूल के साथ सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हो। सो ग्रैब योर गिटार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले इस सॉन्ग में हमारे को फिफ्थ फ्रेट में केपो चाहिए। तो जैसे ही हम फिफ्थ फ्रेट में केपो यूज़ करेंगे, हमारा फर्स्ट फ्रेट बन जाएगा ये। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे इंट्रो पार्ट इस सॉन्ग का। तो जो इसकी इंट्रो है वो मैंने 4 लाइन्स में डिवाइड की। तो जो फर्स्ट लाइन है वो सीखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। सबसे पहला जो हम नोट इसमें प्ले कर रहे हैं वो है फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हम प्ले कर रहे हैं थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे फोर्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, ये फोर्थ फ्रेट है सेकेंड स्ट्रिंग। तो हम जब इसको स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट वाला नोट प्ले करने का थोड़ा सा पॉज देंगे, फिर ये दोनों नोट हम जल्दी प्ले करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है। तो जब ये सॉन्ग स्टार्ट होता है तो फर्स्ट नोट थोड़ा सा पॉज लेता है प्ले करने के बाद, उसके बाद फिर हम फास्ट हो जाते हैं। ओके, इस पार्ट को हमने 2 बार रिपीट करना है, तभी मैं 2 बार कर रही हूँ। ये किया हमने, जब सेकेंड टाइम करोगे तो आप तीनों नोट को एक ही स्पीड में प्ले करोगे, एक ही रिदम से प्ले करोगे। उसके बाद हम प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग ओपन, ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे हम। फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। तो क्या बना, 2 बार प्ले करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या प्ले किया, थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले की, उसके बाद हमने फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग जो है वो 2 बार प्ले करनी है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम करोगे ना, तो सेकंड टाइम करने के बाद आपको पुल ऑफ करना है दिस। अगर आपको नहीं पता है कि पुल ऑफ क्या होता है तो आप वो लेसन यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। तो हमने सेकंड टाइम जब हमने प्ले किया ये वाला नोट फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, तो हमने उसको पुल ऑफ किया है प्ले करने के बाद। ओके, फिर से हम प्ले करेंगे फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग अगेन, ठीक है। फिर से हमने फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग नोट प्ले किया है, ठीक है, एक बार। तो ये टोटल क्या बना, ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिर उसके बाद हमने प्ले किया है फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग अगेन, और इस बार हम करेंगे पुल ऑफ, फिर वापस आएंगे सेम स्ट्रिंग, ठीक है। और जब आप लास्ट नोट प्ले करोगे ना, लास्ट टाइम ये प्ले कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विब्रेटो। अगर आपको विब्रेटो करने नहीं आता तो आप यहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो। तो इसमें हम विब्रेटो करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस सॉन्ग में क्या है कि बीच में बहुत बहुत पॉजेज आते हैं, तो जब भी आपको लगता है कहीं पे पॉज आ रहा है और आप विब्रेटो कर सकते हो ये चीज़, तो आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि इससे ये सॉन्ग काफ़ी स्लो है, तो इससे आपके जो नोट है वो काफ़ी देर तक गूंजता रहेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ करनी है जहाँ पे आपको लगे पॉज आ रहा है। तो जैसे हमने ये किया था, इसमें आप नहीं करोगे यहाँ पे, जो मैंने बोलता थोड़ा सा पॉज है, क्योंकि आपने नेक्स्ट नोट जल्दी से प्ले करना है, इतना भी पॉज नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो हम जल्दी करेंगे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो वहाँ पे बस आपको वाइब्रेटो करना है, ठीक है। हल्का हल्का सा बस। तो ये हमारी, इसके साथ हमारी फर्स्ट लाइन खत्म हो गई है। अब हम करेंगे सेकंड लाइन जो है ये। तो ये हमारी सेकंड लाइन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा नोट प्ले कर रहे हैं, ये वाला थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या बना,
मैं दो बार प्ले करना है इस पूरी लाइन को जो मैंने आपको तीन तीन नोट्स बताए जो अभी आपको मैंने, उन तीनों नोट्स को आपको हमने दो बार प्ले करना है, ठीक है? ओके उसके बाद फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो हमने क्या प्ले किया, सबसे पहले फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग दो बार प्ले कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग को दो बार कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट फ्रेट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग को दो बार प्ले किया, उसके बाद हम फिर से इसे प्ले करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसे पुल ऑफ करेंगे। तो हमने दो बार किया पहले, थर्ड टाइम जब आप करोगे स्ट्रिंग को प्ले तो आपको ऐसे करना है, ठीक है? पुल ऑफ करना है। ओके फिर नेक्स्ट नोट हम प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग ओपन। ओके तो ये क्या बना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं थर्ड स्ट्रिंग ओपन स्लो प्ले कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने फर्स्ट लाइन में भी किया था, जब फर्स्ट लाइन का लास्ट नोट था उसको मैंने स्लो प्ले किया था। तो आप इसको स्लो करोगे, तो आप इसको भी स्लो करोगे लास्ट नोट को, तो ऐसे करना है, ठीक है? जब जहाँ पे आप सॉन्ग को सुनो और सॉन्ग को सुन के देखो कि जहाँ पे आपको लगता है कि स्लो प्ले हो रहा है, धीमी आवाज़ में प्ले हो रहा है, उसमें आपको नोट सॉफ्टली प्ले करने हैं, ठीक है? ओके तो हमारी दो लाइंस कंप्लीट हो गई हैं, अब हमारी थर्ड लाइन क्या है? ठीक है ये हमारी है थर्ड लाइन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये वाला नोट जो है, तो सबसे पहले हम प्ले कर रहे हैं फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है? उसके बाद हम प्ले कर रहे हैं थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, उसके बाद हम प्ले कर रहे हैं फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। तो ये क्या बना, हम दो बार प्ले करेंगे इस पूरे नोट्स को, जो तीन नोट्स हमने अभी भी सीखे, फिर हम आ जाएंगे इस नोट में। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी फिंगर्स जो है वो बिजी हैं अभी, तो हमारे को ये नोट जो है पिंकी फिंगर से प्ले करना पड़ेगा, जबकि ये थर्ड लाइन में है। हमने किया होता ना कि फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर, बट समटाइम्स क्या होता है कि फिंगर्स बिजी होती हैं तो हम कोई और फिंगर भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने ये प्ले किया तो हम कौन सा नोट प्ले कर रहे हैं, थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। देखो ये क्या बना, हमने दो बार प्ले करना है इसको, ठीक है? दो बार, फिर हम आ जाएंगे फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग दो बार। हमने इसे भी दो बार प्ले किया थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग को भी दो बार करेंगे, ठीक है? फिर हम यहाँ आ जाएंगे। मैं अगर आप ध्यान से देखो तो ये नोट जो है रिंग फिंगर से प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पिंकी फिंगर यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं लगती मुझे जितनी मेरी रिंग फिंगर लगती है। देखो यहाँ पे आप, अगर आपको लगता है कि ये गैप बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी पिंकी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हम यहाँ से आए ना, तो ये कौन सा नोट है, फोर्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ये है फोर्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। आप अपनी पिंकी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, रिंग फिंगर भी, ठीक है? आप पिंकी फिंगर भी कर सकते हो। फिर हम फिर से आ जाएंगे इस नोट पे, दैट इज फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। पहले हमने नोट प्ले किया ये वाला जो है फोर्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे, एक बार किया हमने, फिर हम आ जाएंगे फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग में, ठीक है? ओके तो ये टोटल लाइन क्या बनी, इसको थोड़ा लाउड कर देना, जैसे आप इधर आना शुरू हो जाएंगे आपको थोड़ा सा जोर से नोट हिट करने हैं अपनी फिंगर से या पिक से, थोड़ा जोर से प्ले करना है जैसे आप यहाँ आ जाओगे। ओके तो इसके साथ हमारी थर्ड लाइन खत्म हो जाती है, और हमारी फोर्थ लाइन क्या है, रिंग फिंगर से प्ले करोगे थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग का नोट, ठीक है? थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग दो बार,
थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग दो बार, और उसके बाद हम प्ले करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग ओपन दो बार। ओके, ठीक है। उसके बाद आप प्ले करोगे थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग दो बार। उसके बाद हम अगला नोट प्ले करेंगे जो है फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, फिर उसके बाद फिर से ये वाला नोट थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर हम करेंगे इसमें विब्रेटो, ठीक है, ताकि नोट थोड़ी देर गूंजता रहे। तो ये लास्ट लाइन क्या बनी, ये हमारी लास्ट लाइन है। अब इस पूरे पार्ट को अगर आप फिर से रिपीट कर दो, जो भी हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखा है, तो आपका दूसरी टाइम ये पार्ट जो है रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रो जो है इसमें दो बार रिपीट होती है सॉन्ग में। पहले ये टोटल जो हमने आज सीखा है वो पूरा फिर से रिपीट होगा। तो ये टोटल साउंड कैसे करता है, ओके तो ये जो है हमारा पूरा सॉन्ग, जो ये हमारी इंट्रो है, इसको आप एक बार और रिपीट करोगे तो जो हमारी इंट्रो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको दोबारा रिपीट करोगे, तो जो ये फर्स्ट नोट था जिसमें मैंने आपको बोला था ना, आपने फर्स्ट नोट प्ले करने का पॉज लेना है, नेक्स्ट टाइम आप नॉर्मल प्ले करोगे, कोई पॉज नहीं लोगे यहाँ पे। आप क्या करोगे, नॉर्मल जैसे हमने बाकी सारे किए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। सेकंड लाइन जब आप रिपीट करोगे, सेकंड टाइम जब आप इसको रिपीट करोगे, तब ऐसे करोगे, ठीक है। फिर जब आप दोबारा करोगे, ओके, बट मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जब आप सेकंड टाइम यहाँ पे ये लास्ट वाली लाइन करोगे ना, बाकी सब तो सेम रहा और आपने वो पॉज नहीं दिया स्टार्टिंग वाला, उसके बाद जब लास्ट में ये प्ले करोगे, उसके बाद उसमें थोड़े से तीन जो नोट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, वो है ये, फिर स्टार्ट हो जाता है ये वाला पार्ट। तो ये है हमारा फिफ्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग में आप नोट प्ले करोगे, फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। और वही जो हमने नोट पहले प्ले कर दी यहाँ पे, जहाँ पे हमने खत्म किया था, जो है हमारा थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, उसको फिर से दो बार प्ले करोगे, ठीक है। ये नोट प्ले किया आपने फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, फिर थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग दो बार, देखो ये ऐसा साउंड करेगा। तो ये कैसे साउंड करेगी, एक बार मैं आपको लास्ट की दो लाइन फिर से प्ले करके बता देती हूँ कि जब सेकंड टाइम में प्ले करोगे तो कैसा साउंड करेगा। उसके बाद ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जब सेकंड टाइम इसको प्ले करना है, तो सेकंड टाइम में आपको ये तीन नोट्स लास्ट में इसको ऐड करने हैं। तो ये हमारा बनता है टोटल इसका इंट्रो। आई होप सबको समझ में आ गया हो, और बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़े लॉन्ग पॉजेज आ रहे हैं सॉन्ग में, वहाँ पे आपको विब्रेटो करना है। और हमने बीच में इसमें पुल ऑफ भी किया है, तो आप पुल ऑफ वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। आपको लिंक्स में भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी सारी वीडियोज़ के बारे में जो मैंने इसमें बात की है इस सॉन्ग में। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द कमेंट सेक्शन, एंड